हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के विमान वाहक पोत विशाल के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। भारत का नया एयरक्राफ्ट कैरियर जिसकी योजना भी बन रही है वह सबसे महत्वाकांक्षी योजना होगी जो अब अमेरिकी तकनीक की मदद से बनेगी। मसलन अब इसे आणविक ऊर्जा से चलने वाला बनाया जा सकता है ताकि यह वर्षों तक गहरे समुद्र में रहकर अपनी सेवा दे सकता है। यह पहली बार होगा कि अमेरिका अपने युद्धक विमान वाहक पोतों की तकनीक किसी दूसरे देश को देगा। माना जा रहा है कि इससे अरब प्रशांत और हिंद महासागरीय क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को माकूल तरीके से चुनौती दी जा सकेगी। यह भी सच है कि यह एक कदम भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने की क्षमता रखता है। जानकारों के मुताबिक भारत ने 6 वर्ष पहले ही देश में एक अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का फैसला लिया था। अभी भारत के पास इस तरह के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, विक्रमादित्य और विराट। विराट जल्द ही रिटायर हो गया। नए विक्रांत पर तेजी से काम हो रहा है और यह वर्ष 2018 के अंत तक शामिल किया जा सकता है। पहले इसकी क्षमता 60 से 65 हजार टन रहने की योजना थी, उसे अब बढ़ाकर 80 हजार टन किया जा सकता है। 60 से 65 हजार टन की क्षमता वाले युद्धपोत पर 40 से 45 युद्धक विमानों को एक साथ रखा जा सकता है, जबकि अगर इसकी क्षमता 80 हजार टन की जाए तो इसमें 80 युद्धक विमान रखे जा सकते हैं। यही नहीं, कई अत्याधुनिक युद्धक विमानों को एक साथ उतारा और उड़ाया जा सकता है। अमेरिकी नौसेना को अमेरिकी ताकत की रीढ़ माना जाता है। अमेरिका के पास 10 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन हिंद और प्रशांत महासागर में जिस तरह से चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है, इससे भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में मदद करने को तैयार हुआ है। वैसे भी चीन जिस तरह से भारत के चारों तरफ छोटे छोटे नौसैनिक अड्डे बना रहा है, वो भारत के लिए चुनौती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं।